ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। दोस्तों आप देख रहे हैं धर्म भक्ति। सपने में दिखे देवी लक्ष्मी का ये खास चीज तो समझ जाइए दोस्तों आपकी किस्मत है चमकने वाली। मित्रों ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं तो उसे कुछ संकेत मिलने लगते हैं। सपने भी इन संकेतों में एक होते हैं दोस्तों। हालांकि बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें रात में देखे गए सपने याद रहते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि जल्द ही आपकी किस्मत चमकने वाली है। अगर सपने में देवी लक्ष्मी या इससे जुड़ी कुछ चीज दिखाई दे तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत समझना चाहिए। दीपावली के मौके पर हम आपको कुछ ऐसे ही सपनों के बारे में बता रहे हैं जो धन लाभ होने का संकेत देते हैं। तो आइए जानते हैं उन सपनों का अर्थ। दोस्तों अगर किसी को सपने में देवी लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे तो समझना चाहिए कि जल्द ही आपकी किस्मत बदलने वाली है। निकट भविष्य में आपको धन लाभ हो सकता है या फिर आपको पैसा कहीं अटका है तो वह भी मिल सकता है। देवी लक्ष्मी का सपने में दिखाई देना सुख समृद्धि का संकेत होता है। देवी लक्ष्मी के चित्र में अक्सर उनके हाथों में धन से भरा घड़ा दिखाया जाता है। अगर सपने में किसी को धन से भरा इस तरह का घड़ा दिखाई दे तो इसे धन लाभ का संकेत समझना चाहिए। दोस्तों बिजनेस में अचानक कोई बड़ा फायदा भी आपको हो सकता है या नौकरी में अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है। कमल का फूल देवी लक्ष्मी का आसन माना जाता है। इसका उपयोग देवी लक्ष्मी की पूजा में विशेष रूप से किया जाता है। अगर आपको सपने में कमल का फूल दिखाई दे तो समझना चाहिए कि बिजनेस या नौकरी में आपको शुभ फल मिलने वाले हैं। यदि सपने में किसी को हाथी दिखाई दे या हाथी पर सवार देवी लक्ष्मी दिखे तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। हाथी भगवान श्री गणेश के साथ लक्ष्मी से भी संबंधित है। अगर आपके जीवन में परेशानियां बनी हुई है तो वह दूर हो सकती है, ऐसा इस सपने का अर्थ होता है। दोस्तों शंख को देवी लक्ष्मी का सहोदर कहा जाता है यानी भाई। सपने में यदि शंख दिखाई दे तो समझिए कि आपके वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होने वाली है और पैसे की तंगी भी। तो दोस्तों सपने में अगर इन सभी चीजों में से कोई भी चीज आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं।